हेलो एवरीवन, दो नए सिविलाइजेशन आए हैं, बर्गेंडियन और सिसिलियंस। तो एक जो है वो बर्गेंडियंस के साथ एआई के साथ खेलते हैं और देखते हैं कि इन सिव्स की क्या जो है वो स्ट्रेंथ्स हैं। लेट्स गेट राइट इनटू इट। बर्गंडियंस आई थिंक कैवलरी सिव है और इनके पास जो है वो स्टेबल यूनिट्स जो है वो एक एज में अर्ली आ जाती हैं। आई थिंक सारी अपग्रेड्स जो है वो एक एज में अर्ली आती हैं इनकी। तो उसकी प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। मैं आज बहुत दिनों बाद खेल रहा हूँ गेम, इसलिए आई बी अ बिट स्लॉपी। मैंने इसलिए अरीना की गेम खेली है ताकि अरीना के ऊपर जो है वो थोड़ा सा आपको बफर मिल जाता है, वॉल्स होती हैं। Ordres? Sì.
qui va être. Si, qui va immédiatement. Si, aux ordres, il chasse. Ça, immédiatement. Qui va être. Il chasse. Bonjour. Il chasse. Aux ordres, si, il bat. Si, il chasse. Il bat, bat. Immédiat, il bouge tout court. Bonjour. Fra. Vos ordres, il vous colle. Fra. Ivan. Ibadi. व्हील बैरो इनको डार्क एज में मिल जाता लेकिन व्हील बैरो को इतना फ़ायदा नहीं होता इतने एयरली क्योंकि आपके पास इतने विल्जर नहीं होता इनको पता नहीं स्टोन वॉल्स डार्क एज में मिलती हैं कि नहीं नहीं स्टोन वॉल्स नहीं मिलती डार्क एज में इकोनॉमिक अपग्रेड्स मिल जाती हैं लेकिन आई थिंक स्टेबल्स भी इनको जो है वो स्टेबल्स के अंदर भी इनको कैवलियर और नाइट लाइन जो होती है वो जल्दी मिलती है लाइक कैसल एज में इनको कैवलियर मिल जाता
Vosotras? Sí. Ishas. Bonjour. Pra, Ivan. I bush du go. Immediatement. Actually, let's go on stone a bit early. Ibasi, Ibat. Pra, Ibati. Let's do a boom. Or try to do a boom. Ibati.
So the question is, do we go for Cavalier into Paladin, or do we go to the Custaliers? Custaliers jo hain wo kafi strong hain ke, aur unke paas special jo hai wo ek advantage hai ke wo charged attack kar sakte hain. जो के लाइक उनका जो पहला अटैक होता है वो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 44-50 अटैक समथिंग लाइक दैट. इट्स रियली रियली ह्यूज. इनके जो मंक्स हैं आई थिंक वो जनरेट करते हैं जो रेलिक्स जो कलेक्ट करते हैं वो जनरेट करते हैं फूड भी, गोल्ड भी और फूड भी. सो दैट्स अ गुड लिटिल बोनस फॉर देम. Let's go Imperial. Hardest AI जो है वो already चला गया. Actually hard AI है I think. Yeah, I put it as hard. Okay then. मिलिट्री बना रहा अगला.
और हमें ये एरिया सिक्योर करना पड़ेगा। दो रेलिक्स हमने ले लिए, आई थिंक दैट्स ऑल वी गॉट। कैमल्स आ गए हैं, buy more time. Oh, see jaa gaya. And now we can take them on. Buongiorno.
Thank you.
That's what I think is done. मैंने रियलाइज़ नहीं किया था शुरू में कि ये इंडियंस है. इंडियंस के पास इंपीरियल कैमल है. कैवलरी खेला बहुत अच्छा और उसने खेला भी वही है, क्योंकि उसे पता था कि मैं कैवलरी से हूँ. ये रिजाइन कर गए भाई साहब. जी जी ओके. बड़ा जबरदस्त है लाइक इस लेवल पे, जिस लेवल पे हम खेलते हैं उसके लिए. तो अगर आपको पैलेटिन ब्लड लाइन्स नहीं है, लेकिन इनके पास ब्लड लाइन्स नहीं है, तो इनका पैलेटिन जो है वो 160 एचपी का होता है, विच इज़ ओके, नॉट बैड. और हाफ प्राइस पे अपग्रेड मिलती है ना. मैंने अभी तक वो ट्राई नहीं किया, लेकिन काफ़ी अच्छी जो है वो सेव है, मज़ेदार सेव है. ट्रैक ट्री इनका देखते हैं. रेंज यूनिट्स तो इनके पास मतलब क्रॉसबो है, थंबलिंग नहीं है, तो रेंज में तो ये कुछ खास कर नहीं सकते. हैंड कैरनियर के साथ कर सकते हैं अगर मैं सेल्बडियर आ जाता तो. लेकिन ये देखें, कैवलियर जो है आपको अर्ली कैसल एज में मिलता है, और स्टेबल टेक्नोलॉजी 50% चीप. यानी आपका जो पैलेडिन है और आपका जो कैवलियर के अपग्रेड्स हैं और जो भी दूसरी अपग्रेड्स हैं स्टेबल्स की, वो 50% चीप है. गन पाउडर यूनिट्स का 25% अटैक. ओ वाह, ये नहीं मैंने चेक किया. हैंड कैनन ईयर जो है इसका मतलब इसका अटैक जो है वो 25% ज़्यादा है. कोस्टल एयर कैवलरी, फ्लेमिश मलेशिया जो है वो इनका जो इनके विल्जर्स हैं वो आप दबा सकते हैं. एक रिसर्च है वो करके, तो आप इनको, इनके जितने भी विल्जर्स हैं उनको आप मलेशिया बना के तो अटैक कर सकते हैं उनसे. कन्वर्ट ऑल फूड इनटू गोल्ड, फार्म सोली स्लोली रिजनरेट गोल्ड इन एडिशन टू फूड फार्मर्स. ओके, आई डिडंट नो दैट. फार्मर्स, ये तो मैंने सर्च की नहीं है. अगर ये बंदा कर ले तो गोल्ड ख़त्म भी हो जाए तो भी जो है वो गोल्ड आता रहता. लेट गेम के लिए बहुत अच्छा जो है वो अपग्रेड है. फ्लेमिश रेवोल्यूशन, हाँ ये वो विल्जर्स जो हैं मलेशिया बन जाते हैं. बहुत मज़ेदार सेवा.
इनका पैलेटिन ट्राई करते हैं गेम में, पैलेटिन ट्राई करते हैं इनका। ओके थैंक यू गाइस।